हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए तीन ऐसे स्मार्टफोन लेकर आया हूँ जो मतलब लॉन्च होने वाले होंगे। ये एक लॉन्च होने वाला है जिनमें से दो लॉन्च हो चुके हैं। दोस्तों, वो दोनों तीनों स्मार्टफोन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इससे रिलेटेड जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करते हैं हम ऑनर 9X Pro की, तो दोस्तों ऑनर 9X Pro लॉन्च हो चुका है भारत में। उससे पहले मैं दोस्तों आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे कि हर फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर मिलता है, प्ले स्टोर जो ऐप के लिए प्ले स्टोर मिलता है। इस फ़ोन में ऐसा नहीं है, इस फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर की जगह पर आपको मिलेगा हुआवे का ऐप स्टोर। और एक बात और फ्रेंड्स, इसमें आपको मिलेगा पॉपअप सेल्फी कैमरा जो शायद ही बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले इसके ऑनर 9X Pro के स्क्रीन के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन होने वाला है, जो स्क्रीन इसकी होने वाली है, उसमें स्क्रीन साइज़ है वो है 6.59 इंच का फुल HD डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन होने वाला है 1080 और 2340 पिक्सल, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और इसके सपोर्ट के लिए दिया गया है इसमें ऑक्टा कोर सिलिकॉन किरिन 810 प्रोसेसर। वहीं अगर इसके एंड्रॉयड की बात करें तो ये एंड्रॉयड 9 पर आधारित है, जिसका EMUI 9.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। अगर आप बात करते हैं कि कैमरे के बारे में, तो इसमें ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप मिलता है जो कॉमन है, सभी में आजकल सभी डिवाइस में मिल रहा है, वैसे इसमें भी मिल रहा है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का सोनी MIX582 सेंसर मिलेगा। अगर बात करते हैं कैमरे का, तो इसमें जो है 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिला है सोनी का, वो तो बहुत बेहतरीन होने वाला सच में। और अगर इसके बाकी कैमरे की बात करें, तो जैसे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल होता है, एंगल लेंस है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। वहीं अब बात करते हैं सेल्फ़ी कैमरे के बारे में, तो इसमें जो है 68 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फ़ी कैमरा मिल रहा है, जो कि ठीक ही है, पर इसमें एक दिक्कत होगी कि जैसे कि मान लो आप पॉपअप कैमरा जो है टूटने में ज़्यादा टूटने का डर रहता है, बस यही एक प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। वहीं अब बात करते हैं इसके वेरिएंट के बारे में, तो इसमें 6 GB और 256 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत जो है इसमें मिलने वाला 17,000 मतलब 18,000 रुपीज़ रखी गई है। इसका जो डिज़ाइन होगा वो ब्लैक और फैंटम ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ ख़रीदा जा सकेगा। आप लोग इसे सीधे फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं। जो इसका जो सेल स्टार्ट हो रही है वो 21 मई से 22 मई तक चलेगी। अगर इसकी जो इसमें फ्लिपकार्ट जो है कुछ डिस्काउंट भी देने वाला है, जिससे आपका हो गया 3,000 रुपये तक का डिस्काउंट भी देगा फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट अपडेट जो है वो है हुआवे की तरफ से। हुआवे ने भी अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन जो है लॉन्च कर दिया है, वो है हुआवे Y9S, जो कि अगर इसकी बात करें इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो प्राइस रखी है वो है 20,000 रुपीज़, जिसकी स्टोरेज होने वाली है वो 6 GB और 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज होने वाली है। बात कर लेते हैं इसके कलर ऑप्शन के बारे में, तो इसमें जो है कलर ऑप्शन मिलने वाला ब्रीथिंग क्रिस्टल मिलने वाला और मिडनाइट ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ ख़रीदा जा सकेगा। अगर आप बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में, तो जो इसकी कैमरे जो होने वाला है वो आपको मिलेगा इसमें 48 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, प्लस उसमें 8 GB का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा और 2 GB मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस मिलेगा। वहीं अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात करें, तो इसमें जो फ्रंट कैमरा दिया गया है वो 16 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा दिया गया हुआ है।